जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त नितिन अप्रोवर आपका स्वागत करता हूं। और आज की शुरुआत मैंने जय हिंद से इसीलिए की है क्योंकि आज सचमुच में जय हिंद हो गया है यूएन में, क्योंकि आज जो है भारत ने चाइनिस्तान को हरा दिया है। चाइनिस्तान को हराते हुए फतह हासिल की है। अब आप पूछोगे ये चाइनिस्तान कौन सा देश है, तो पाकिस्तान और चाइना को मिला के बनता है चाइनिस्तान। और चाइनिस्तान नामक जो है जगह में मौलाना मसूद अजहर का वर्चस्व था और वे उसे सपोर्ट भी करते थे। तो आज जो है चाइनिस्तान की हार हो गई है क्योंकि पाकिस्तान में रहता है मौलाना मसूद अजहर, जो कि पुलवामा हमले का गुनहगार था, और उसको सपोर्ट करता है चाइनिस्तान। और यूएन में उसे आतंकी मानने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए चाइना ही जो है जो अड़ंगा डाल रहा था, टंगड़ी फंसा रहा था। और जब भारत गोल करने वाला ही होता था गोल पे, और गोल पे जो है गोलकीपर होता था मौलाना मसूद अजहर, और वो टंगड़ी फंसा के गिरा दिया करता था चाइना। तो आज जो है भारत ने फतह हासिल कर ली है क्योंकि रेफरी का किरदार निभाया है अमेरिका ने, और अमेरिका ने चाइना को रेड कार्ड दिखाते हुए चाइना को इस खेल से बाहर कर दिया, और चाइना ने अपना विरोध वापस ले लिया। क्योंकि जब चाइना ने मौलाना मसूद अजहर को आतंकी मानने से मना कर दिया था और चाइना ने अपना अड़ंगा डाल दिया था और भारत ने बहुत दबाव डाला था पुलवामा के बाद, तो अमेरिका ने मौलाना मसूद अजहर को अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। और ब्लैक लिस्ट और आतंकी लिस्ट में अमेरिका की डलने की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड से दबाव बना, यूएन में इसका दबाव बना, और दबाव बनने के बाद जो है चाइना उस दबाव में दब गया, और दबने के बाद उसने अपना विरोध वापस ले लिया। भाई पाकिस्तान का कब तक साथ देता चाइना, तो मजबूरी में उसे पीछे हटना पड़ा। और यहां पर जो है चाइनिस्तान की हार हुई और हिंदुस्तान की इस फुटबॉल मैच में जीत हुई 1-0 गोल के बाद, और रेड कार्ड दिखाते हुए अमेरिका ने चाइना रूपी खिलाड़ी को, चाइनिस्तान खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, और जो नया खिलाड़ी आया वह लुल्लू निकला, वह कुछ नहीं कर पाया, वह जो है अपनी टांग नहीं फंसा पाया। तो बात यही हुई कि इस मैच में जो है जीता है इंडिया और चाइनिस्तान की हार हुई है, और मौलाना मसूद अजहर बन गया है अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकी यूएन की नज़र में। अब उसकी संपत्तियां जब्त हो जाएंगी, उसका जो संगठन चलता है वह जो है जब्त हो जाएगा, वह जो है बंद हो जाएगा, और उसकी अंतर्राष्ट्रीय जो फंडिंग होती है वह जो है रुक जाएगी। और ऑल ओवर वर्ल्ड से जो फंडिंग आती रही है उसके जो है एनजीओस के लिए, तो वो एनजीओस की फंडिंग भी बंद हो जाएगी। और इस तरीके से अब आने वाले दिनों पे उस पर कार्रवाई हो सकती है। और अब अगर इंडिया भी वैसी कार्रवाई करता है जैसी अमेरिका ने की थी लादेन पर, वैसी अगर इंडिया भी कार्रवाई करता है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी देश या चाइनिस्तान नामक कोई भी देश जो है इस पर अपना जो है गुस्सा दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि अब वह यूएन की नज़रों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी है। तो इस तरीके से भारत ने जो है एक गोल मारते हुए 1-0 से चाइनिस्तान को हरा दिया है। तो ये फुटबॉल मैच आपको कैसा लगा? फुटबॉल जो है बहुत ही जल्द फटने वाली है अजहर महसूद के रूप में, तो इस वीडियो के बारे में आप अपनी जानकारी दीजिएगा। और इस मैच के बारे में आपकी क्या राय है, और इस मैच में आपको देखने में कितना मजा आया वो भी आप बताइएगा। मैं इसे जो इस तरीके से इसीलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा तो ये जो है वीडियो की नज़र में वॉयलेंट कर देता है, इसीलिए मुझे ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है मैच के रूप में, फुटबॉल मैच के रूप में। तो आपको यह जानकारी और यह हास्यास्पद फुटबॉल मैच कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल नितिन अपलोडर को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद।